इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद एनएसजी भी बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ये बनाया गया। तो हमारे पास जो है एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी हो गया है, जो कि आपको पता है कि जिसने मुंबई जो हमला हुआ उसमें काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो एनएसजी कमांडो जो है बहुत ही हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए, एंटी हाईजेकिंग, काउंटर हाईजेकिंग ऑपरेशंस के लिए और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किए जाते हैं। ये हमारे 26/11 के बाद, 26/11 के बाद जो मुंबई के अंदर पुलिस और एनएसजी गार्ड को काफ़ी अप्लाउड भी किया गया कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें अपनी बहुत सारी सीरियस जो कमियां हैं वो भी समझ में आई। और इसी को देखते हुए हम देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या इंस्टीट्यूशन और कौन से लीगल फ्रेमवर्क हैं। तो एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हमारे पास है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक फेडरल एजेंसी है जो कि इस्टेब्लिश की गई बाय सेंटर टू कॉम्बैट टेररिज्म इन इंडिया। तो ये अब ये जो है इसको एम्पावर किया गया है कि ये पूरी कंट्री